हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ श्रीराम फाइनेंस का Q2 रिजल्ट के बारे में। तो क्या रहा श्रीराम फाइनेंस का Q2 रिजल्ट, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली श्रीराम फाइनेंस ने अपना Q2 रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया है। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में क्या रहा श्रीराम फाइनेंस का Q2 रिजल्ट। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा श्रीराम फाइनेंस के तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। ऑन अक्टूबर 25, 2024 को ये नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन में Q2 का रिजल्ट जो है वो अनाउंसमेंट किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में क्या रहा रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रहा श्रीराम फाइनेंस के तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। ऑन अक्टूबर 25, 2024 को ये नोटिफिकेशन आया था और इस नोटिफिकेशन में Q2 का रिजल्ट और इंटरम डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरम डिविडेंड जो है 22 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से आप लोग को मिल जाएगा अगर आपके पास एक शेयर है तो, ठीक है। और रिकॉर्ड डेट रखा गया है नवंबर 7, 2024 को रिकॉर्ड डेट रखा गया है। उससे पहले अगर आपके पास है तो अभी जाके आप लोग को ये इंटरम डिविडेंड मिल जाएगा। इंटरम डिविडेंड पे आउट विल बी मेड टू एलिजिबल शेयर होल्डर्स ऑन और बिफोर संडे नवंबर 24, 2024 से पहले आप लोग को मिल जाएगा। तो ये था श्रीराम फाइनेंस का डिविडेंड के बारे में। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ Q2 रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के तरफ से ये रहा स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर क्वार्टर एंड हाफ ईयरली एंडेड सितंबर 30, 2024 तक का रिजल्ट है। और जो भी कैलकुलेशन है इन कोर्स में कैलकुलेशन है क्वार्टर एंडेड, हाफ ईयरली एंडेड, ईयर एंडेड। टोटल इनकम करंट क्वार्टर में 10,096.68, पिछले क्वार्टर में 9,597.07 और उससे पहले क्वार्टर में 8,564.45। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इनकम बढ़ा है। एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस कंपनी कितना खर्चा कर रहा है 7,345.15 करंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 6,930.48 और उससे पहले क्वार्टर में 6,212.17। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेस बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक्सपेंसेस बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट क्वार्टर में 2,074.64 करंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 1,981.76 और उससे पहले क्वार्टर में 1,753.40। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट क्वार्टर में 2,153.27, पिछले क्वार्टर में 2,030.64 और उससे पहले क्वार्टर में 1,791.83। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बढ़ा है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करंट क्वार्टर में 2,221.08, पिछले क्वार्टर में 2,037.21 और उससे पहले क्वार्टर में 1,890.42। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बढ़ा है। EPS अर्निंग पर शेयर करंट क्वार्टर में 56.93, पिछले क्वार्टर में 53.83 और उससे पहले क्वार्टर में 47.61। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे EPS जो है बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी EPS बढ़ा है। तो ये था श्रीराम फाइनेंस का Q2 रिजल्ट के बारे में। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।